अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है आप लोगों के? आपका भाई बड़े दिनों के बाद ब्लॉगिंग में वापस आया है। बकरीद के दिन चल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हूँ जानवरों में, इसलिए कोई ब्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। अभी बस फजर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो पहले नमाज को चलते हैं। उसके बाद जो है हमारे फ्लैट के अंदर ही जो है ना पूरा सेटअप होता है उसका, जानवरों का पूरी मंडी लगती है, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी इस वक्त थोड़ा सा जो है ना नर्वस टाइप हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ और यूज्ड टू नहीं हूँ। तो वहाँ पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को पहले चार्ज के बाद चारा लेंगे गाय वगैरह का ना, उसके बाद आप लोगों को पीछे लेके चलता हूँ, पूरा सेटअप दिखाता हूँ मैं। बहुत टाइट सेटअप होता है, एक मंडी लगती है लेकिन वो है पूरी सोसाइटी के लोगों के जानवर, वहाँ पर सिर्फ सोसाइटी के लोगों के बंदे, बिकने के वाले नहीं होते जानवर। तो चलें चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं फिर दिखाता हूँ। जमात खड़ी हो गई है, थोड़ा सा लेट हो गया, तो जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं पहले। चलो भी नमाज तो हो गई है, अब इसको करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अब चारा लेने। सब एक चारा खरीदने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पैसे, तो वो है नहीं भाई, इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि जो है अच्छा नाइस लॉक ही नहीं होता। तो पहले निकालते हैं पैसे फिर चारा लेते हैं। 5 किलो कुतर दो, 6 किलो कुतर दो लो और जंतर के हिसाब से ला लो। 30 25 से 30 है, हाँ 25 है ना, तो 6 किलो जंतर कर दो और 6 किलो ये कर दो। यार मैं भी चारा ले रहा था भाई, तो एक ये भाई हैं ठीक है, ये गुलिस्ताने जौहर ब्लॉक 18 है भाई, इधर आ जाओ आप। तो ब्लॉक 18 है, ये बेचारे सोए थे 5 मिनट के लिए, इनकी कोई शर्ट उठा के ले गया। यार ये बेचारे पूरा दिन यहाँ बैठ के ना रोजी करते हैं, किसी ने अगर उठाई है कुछ करा है या किसी को मिले तो ये इनके जो है ना शलवार के ही रंग की शर्ट है, उसमें इनका मेन मसला ये कि कैश था 50 से 60 हज़ार रुपये से, 50 से 60 हज़ार। बेचारे पूरा पूरा दिन बैठ के मेहनत करते हैं, किसी ने किया ऐसे नहीं करो खुदा के लिए यार, उनका लाके वाकर किसी को मिले तो वापस कर दो। परफ्यूम चौक गुलिस्ताने जौहर ब्लॉक 18 वाली ये जगह है, ये सामने तवक्कल हलवा पूरी है। तो ये भाई हैं यार, अपना फ़ोन नंबर भी बता दो। 0309 2695 आगे 309 3059। तो अगर किसी को मिले या कुछ और इधर ला के दे दें तो रब्ता कर ले, इनका भला हो जाएगा ठीक है। अभी मैंने चारा अंदर रख दिया पहले, क्योंकि मैंने चारे के साथ ब्लॉगिंग कर नहीं सकता था कि बहुत सादा था। सब सेटअप ये कि भाई ये है हमारे अपार्टमेंट की मस्जिद ठीक है, ये पूरा पार्क है सही है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ उस तरफ ठीक है। थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आदत ही रही है भाई, शर्म टाइप की आ रही ठीक है। तो बोलूँगा कम अंदर फिर वॉइस ओवर दे दूँगा बाद में अगर नहीं बोला गया तो। खैर मंडी इंजॉय करें और यहाँ से ये मंडी शुरू। हैं तुम्हें भी आना ब्लॉग में? अरे भैया सही ना ठीक है, प्रॉपर सेटअप है। आगे तक सिर्फ जो है ना सीखे हैं, ये क्या कहते हैं सोसाइटी वालों के सारे जानवर हैं, जितने भी हैं कोई बिकने शिकने के नहीं हैं, ये सारे सोसाइटी के। ऊँट ऊँट आगे बंदा हुआ है। अच्छा ये भाई हो रहा ऊँट, फिलहाल एक ही ऊँट है, आते हैं भैंसे शैसे भी आते हैं, तो यहाँ तक है सीन ठीक है। तो आप लोगों ने एक वाइड एंगल दिखा देता हूँ पूरा मंडी का व्यू, ये वाइड एंगल भी चेक कर लो भाई, फुल आईफोन के शशके। चलो तो आप लोग अपना जानवर दिखाता हूँ। तो भाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जानवर है भाई, इसके सींग चेक कर रहे हैं आप। अच्छा आपको एक कहानी बता दूँ, इसने आज क्या किया है मेरे साथ, ये देखें आप, मेरा छोटा वाला मोबाइल है ये, इस मोबाइल ने आज मेरी टांग बचाई है, ये चेक करें आप, उन्होंने मारी है मुझे खींच के सींग, और ये गया मेरा मोबाइल, अंधा कर दिया इस मोबाइल को उन्होंने। शुक्र है मेरी जेब में आईफोन नहीं था इस वाली, वरना आज ये जाना था। खैर अब चारा बनाते हैं भाई, इनके चारे का टाइम है सुबह सुबह का, ये बकरों का चारा पड़ा हुआ है, ये कड़े हुए बकरे मेरे, ये वाला है एक और एक वो वाला है। अरे चारा बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
आप लोगों ने देख लिया इतनी मेहनत लगती है चारा बनाने में। इन दोनों को देना था, खाली हालत ख़राब हो जाती है इस टाइम पे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कोई मेहनत और हालत ख़राब एक जगह, लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब आपके जानवर ऐसे मज़े से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी सब माशाल्लाह बोल देना यार, नज़र नहीं लगनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मज़े से खा रहे हो ना तो फिर आपको मिलती है सेटिस्फेक्शन। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, और देखो वो भी माशाल्लाह से दोनों मस्त खा रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना इस वक्त, हमसे मैं बता भी नहीं सकता हूँ, बता क्या नहीं सकता हूँ, बताइए आप सब लोगों को, और जो जानवर का चारा बनाते हैं उनको भी पता ही होगा कि क्या होता है। ये देखो माशाल्लाह से भाई, ये भी मस्त लगा हुआ है, ये भी मस्त लगी हुई है, यहाँ कुछ और सीन हो गया भाई, इधर क्या हो गया देखना, इधर क्या हुआ है भाई, ये इतने कंजस्टेड बंदे हुए हैं यार, अटक गई है शायद इसकी रस्सी आपस गए में गले में। तो ये सेटअप है यहाँ का, सब बकरे एक साथ बंधे हुए और गाय एक साथ बंधी हुई है। देख लिया कि सेटअप कैसा लगा आप लोगों को भाई। यहाँ सीन ये है कि 3,000 रुपये पर गाय पे देने हैं आपने, उसमें सफाई भी लोग करते हैं और पानी वानी भी आप लोग अवेलेबल है, और वो लगी हुई पानी की टंकी सामने, एक वो लगी हुई है, एक वो दिखाता हूँ आपको घूम करके, एक वो लगी हुई, और बकरों का 2,000 रुपये जस्टिफाइड है या नहीं है आप लोग बताएं। मेरे हिसाब से बेटर सेटअप है, बाकी आप लोग बताएं कमेंट करके। और ये जित मैंने जैसे पहले भी बताया आप लोगों को, ये सब सोसाइटी वालों के जानवर है, कोई भी बिकने का जानवर नहीं है। कुछ बड़े बड़े जानवर भी दिखाता हूँ, जैसे ये बैठे हुए हैं 3 माशाल्लाह से, मेरा ख्याल 8 लाख रुपये के ये तीनों हैं। ये एक आया हुआ माशाल्लाह कैटल फार्म से आया, ये भी मेरे ख्याल 8 लाख का एक है ये, ये देखें खड़ा हो गया इसमें माशाल्लाह भैया, ओहो ये है भी बड़ा प्यारा है यार, आगे से चेक करें इसको, ये बोलना किंग नाक ये खड़ा ही हो गया भाई, ओए होए 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 खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा लड़के से, हाइट वाइट चेक करें, पीछे होना पड़ गया भाई मुझे जानवर दिखाने, पीछे से भी दिखाता हूँ मैं, ये चेक करें, चलो जानवर बड़े प्यारे हैं ये, और भी बहुत आया उस तरफ भी है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। आए थोड़ा सा टाइम लगा ट्रैक पे आने में, लेकिन आपका भाई आ गया ब्लॉगिंग में थोड़ा सा ट्रैक पे। ये रहा, ये भी माशाल्लाह भाई बहुत बड़ा जानवर है चोलिस्तानी में, आगे भी बंदे हैं यार, लेकिन इस वक्त थोड़े लोगों को बैठे हुए वहाँ जा नहीं रहा। तो भाई ये था अच्छा सेटअप, अब सोने का टाइम है, सुबह उठ के मतलब दोपहर में उठ के इनको पानी शानी देना है, उसके बाद शाम में दोबारा चारा दूंगा। इसी तरह छोटे मोटे ब्लॉग्स करता रहूँगा, ईद वैसे भी 3 दिन बाद है, वो भी दिखाएंगे कि कुर्बानी का क्या सेटअप होता है यहाँ पे, और आपका भाई ख़ुद भी गिराता है जानवर, तो वो भी दिखाऊंगा, उससे सब बोला भी नहीं जा रहा गर्मी से भाई। तो उस ब्लॉग को मैं यहीं पर करता हूँ एंड, कमेंट करके ज़रूर बताना, 2,000 की फैमिली होने वाली है हमारी। अल्लाह हाफिज़।